वाहेगुरू जी की फतेह। धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी का 555वां प्रकाश गुरपुरब गुरद्वारा बीबी कानक कौर जी मोगा विखे जो कि बहुत ही श्रद्धा के भावना के नाल मनाया जा रहा है। दीवान की जो समाप्ति है हुण 1 बजे होई गया है, उस तो उपरंत आप भी देख रहे हो कि संगत का इकट्ठ बहुत है, लंगर प्रशादा चलता पिया है। ये जो धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज का प्रकाश गुरपुरब हर संगत हर एक भला कोई हिंदू है मुसलमान सिख ईसाई सबना के मनों में बहुत प्यार सत्कार है, बहुत श्रद्धा भावना के नाल मनाते हैं। अखंड पाठा के उपरंत आप जी ने देखा होना है कि दीवान सजे हैं, 1 बजे समाप्ति हुई है। रात में भी इस तरह दीवान सजनगे, गुरु का लंगर वरताया जाएगा, दीपमाला भी होगी, आतिशबाजी भी होगी। आप सारी संगत को दोबारा फिर धन धन श्री गुरु नानक देव महाराज जी के प्रकाश गुरपुरब दियाँ बहुत बहुत वधाई, बहुत बहुत वधाई। वाहेगुरु जी का खालसा। सब तो पहला सारी संगत नू समूह सिख जगत नू वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सब नू ही नानक नाम लेवा संगता नू गुरु नानक देव जी दे प्रकाश पुरब दियाँ बहुत बहुत मुबारक। गुरु नानक देव जी जिन्हां नू कला सिख जगत ही नहीं बल्कि हिंदू मुसलमान हर एक धर्म के लोग अपना पीर करके जानते हैं, अपना मुर्शिद करके जानते हैं। उन्होंने सारे ही जगत को वहमा भरमा चो कढ़ के सीधे रस्ते पर पाया है। उन्होंने 3 उपदेश जो कि बहुत प्रसिद्ध हैं, किरत करो, नाम जपो और वंड के छको, जिन्हों का उन्होंने उपदेश दिता है, अज भी वो संगत उन्होंने उपर चलन का यतन कर दिया हैं। साढ़े इस गुरद्वारा बीबी कान कौर के गुरु नानक देव जी का प्रकाश दिहाड़ा बहुत ही धूमधाम मनाया जाता है। सारे ही सिख बच्चे होर धर्मां दे बच्चे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंदे हन, कम से कम 1 हफ्ता पहला ही तैयारियां करनिया शुरू कर देंदियां हन। तुसीं अज देख ही रहे होगे लंगर छकन वास्ते एक प्रसाद के तौर पर संगतां दा इन्ना वड्डा इकट्ठ है कि एक प्रसाद एक ग्राही उन्हां नूं मिल जावे। सो इस लंगर दी जो कि उन्होंने चलाया सी बहुत ही महानता है। मैं सारे सिख जगत नूं ते सारे ही जगत नूं यह मैसेज देना चाहवांगी कि असी गुरु नानक देव जी दे चले हुए पूर्णियां ते चलीए, वध तो वध गुरु घर की सेवा करिए, अपने बच्चों भी इस रस्ते पर लैके आईए, उन्होंने भी सेवा के नाल जोड़िए ताकि उन्होंने आने वाली जी जिंदगी है बहुत ही सुखमई हो सके। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। पहला तो जी देखो ये श्री गुरु नानक देव जी की परंपरा है, उन्होंने 20 रुपये का लंगर शुरू किया तो साडा सिख धर्म का फर्ज ही बनता कि असी यह लंगर वरताइए या लाइए, क्योंकि ये लंगर असी इस करके समूह हीरा सिंह बिल्डिंग वालों लगाया गया, क्योंकि ये एक उपदेश उन्होंने दिता सीगा भी भुखे नूं रजाउण वास्ते, वो इस करके असी इत्थे लंगर लाया। लोगों को की मैसेज देना चाहोगे? देखो जी मैसेज तो यही है भी गुरु नानक देव जी की परंपरा से चलो, उन्होंने सुरक्षा दिती सी भी मानस की जात सब एक पहचान वो, अहीं की कीता असी तो जातां पातां च वंडे गए, क्यों? क्योंकि जिहड़ा कोई कहण कोई कहिंदा मैं हिंदू हाँ, कोई कहिंदा मैं मुसलमान हाँ, तो पर गुरु नानक देव जी ने तो एक ही मतलब कहा भी मानस की जात सब एक पहचान। खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। आल इंडिया दे विच साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी के जन्म दिहाड़े नूं गुरपुरब नूं लै करके उच्चे पातशाह जी अमृत वेले गुरुद्वारा बीबी कानक कौर जी विखे श्री अखंड पाठ साहिब जी के भोग पाए गए, सुखमनी साहिब जी के पाठ किए गए उच्चे पातशाह जी के, बहुत सारिया संगतां ने गुरु घर के गुरपुरब मनाया गया उच्चे पातशाह जी का। आप जी सब संगतां नूं बहुत बहुत वधाइयां, महाराज चढ़दी कला बख्शे, दरों घरों खुशियां बख्श करन उच्चे पातशाह, कृपा करन सतगुरु जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। इस पवित्र दिहाड़े ते गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने 4 वर्णा का सांझा उपदेश दिता है, सारे वर्णा नूं गुरु महाराज जी ने बाणी दे नाल जोड़िया है। सारिया संगतां नूं बेनती है गुरु नानक पातशाह जी के उपदेश नूं मनना ते उस उपदेश ते चलण दी कृपालता करनी संगत दे आदेश है जी। गुरु नानक पातशाह महाराज जी ने पंडितां नूं एक मार्ग दिखा के उन्हां नूं सीधे रास्ते ते पाया, इस वास्ते संगतां दा बहुत बहुत धन्यवाद है जी।